आजाद नागरिक एफएसआईडी न्यूज में आपका खैर मुकदम है। मैं आपका मोहम्मद फारूक। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर पर। सियासी व सामाजिक कायद सैयद इब्राहिम की जानिब से गरीब आवाम में बड़े पैमाने पर राशन की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर सैयद इब्राहिम ने एफएसआईटी नुमाइंदा शहाबुद्दीन से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से एहतियाती इकदाम पर अमल आवारी को यकीनी बनाया जाए, सामाजिक दूरी अख्तियार करे और आवाम घरों में रहने को तरजीह दे, बिला वजह बाहर ना निकले। लॉकडाउन की वजह से गरीब आवाम और यौमिया मजदूर पेशा अफराद को बेइंतहा मुश्किल का सामना है। ऐसे में साहिब सरवत लोगों को मुस्तहक मिस्कीन आवाम की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट एफएसआईटी न्यूज। गरीब आवाम जो है बाहर ना निकल सक रहे और परेशान हले, ऐसे में हम महबूब नगर के पिंक सिटी के पास मौजूद हैं। जो सैयद इब्राहिम साहब है उनके जानिब से जो है गरीब आवाम की मदद की जा रही है। जानते हैं इब्राहिम साहब से भी किस तरह उन्होंने गरीबों की मदद करें, बताइए सर। ये गाड़ी किसकी है? आज जो दुनिया के हालात, अपने मुल्क के हालात अपने को बेहतर मालूम है, क्योंकि आज ये जो वायरस है, वायरस से जो है लोग डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहा है, जो गवर्नमेंट का जो कानून है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कानून है उसको फॉलो करते हुए घरों में रह रहे हैं। इस दौरान में जो है गरीब जो आवाम है, जो मेहनत मजदूरी करते और ऑटो रिक्शा वेल्डिंग जो काम करते हैं, लोग जो है काम करे तो जो है उनका जीना है, रोज़ की रोज़ मजदूरी लाके खाना है, वैसे लोगों को वो थोड़ा मसला हो गया। जब घर में रह रहे तो जो है भूख का मसला हो गया, बाहर निकले तो पुलिस वालों का मसला हो गया, रोज़गार नहीं है, तो ऐसे हालात में जो है हर रोज जो शख्स अल्लाह जिसको माल दिया, दिल दिया, ईमान की दौलत दिया, उसका फ़र्ज़ है जो भी ज़कात है, अतिया है, ऐसे हालात में अपन सब मिलकर ये सब गरीब आवाम और गरीब कौम, गरीब मुसलमान और जो है मुस्तहिक लोगों को घर घर जाके देना पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है, ये गरीबों का हक है और हमारा फ़र्ज़ है। तो इस तरीके से जो है हर जगह पर भी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर सिटी में हर मुसलमान आगे बढ़ के काम करेंगे, क्योंकि कुरान में जो चीज़ आ गई, जो ज़कात का जिक्र आ गया, जो हतिया का जिक्र आ गया, वो ऐसे टाइम पर अगर अपनी तरीके से ज़कात निकालेंगे और जो हतिया निकालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंसान ऐसे हालात में भूखा नहीं रहेगा। तो मेरी अपील है अल्लाह जो जिसको माल दिया और जो अपने अड़ोस पड़ोस में जितना जिसका हो सकता है, जिसकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से बंद मुट्ठी जब सीधे हाथ से दे रहे तो डामे हाथ भी नहीं मालूम होना चाहिए। इस तरीके से देना ज़रूरी है, अहम है, ये हमारा फ़र्ज़ है और मेरी गुजारिश है लोगों को भी ऐसे हालात में जो है अपन डिस्टेंस मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। अपने जो सीएम साहब जो ने तेलंगाना के जो बता रहे हैं उसके हिसाब से, प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से फॉलो करते हुए हम सोसाइटी में ऐसा सबके साथ रहकर जो है सबके खुशी गम में शामिल होके। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।